नमस्कार सुप्रभात, आप देख रहे हैं इससे न्यूज देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 20 खबरों पर। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA सोमवार रात को आरोपी पुलिस अफसर सचिन वाजे को लेकर CST रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पर सीन रिक्रिएट किया गया। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, होगी स्पीडी ट्रायल। मधुबनी हत्याकांड पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। TMC नेता के घर पर मिली EVM, अफसर सस्पेंड, चुनाव आयोग ने दी सफाई। बाबुल सुप्रियो का दावा, जया बच्चन BJP के खिलाफ बोल सकती हैं लेकिन मेरे खिलाफ नहीं। BJP के स्थापना दिवस के मौके पर PM मोदी BJP कार्यकर्ताओं को 3 बड़े सियासी संदेश दिए हैं। मोदी ने कार्यकर्ताओं से सत्ता के साथ नर्म व्यवहार रखने की अपील की है, तो विपक्ष की नैरेटिव को तोड़ने के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का टास्क दिया है। इतना ही नहीं, PM मोदी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए 25 साल का टारगेट तय करने का लक्ष्य दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक जयश्री पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। केवियट में कहा गया है कि अदालत कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी भी सुने। दिल्ली के बाद NCR के बाकी शहरों में भी बढ़ रहा कोरोना संकट, गाजियाबाद गुरुग्राम में कई गुना बड़े एक्टिव केस। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन की वापसी हो रही है। तो वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी केसों की बढ़ोतरी होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में लॉकडाउन की बात कही है। राजधानी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज मुफ्त में लग रही है, जबकि प्राइवेट सेंटर्स पर एक डोज के लिए ₹250 देने होंगे। बंगाल में PM मोदी के हुंकार, हमने कहा होता सारे हिंदू एक हो जाओ तो आ जाता चुनाव आयोग का नोटिस। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख SC पहुंचे, बॉम्बे HC के आदेश को चुनौती दी। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा को देखते हुए BJP संगठन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत दर्जाधारियों को नियुक्त न करने का बड़ा फैसला लिया गया है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजा पत्र। फर्जी मुकदमा और पीड़न का लगाया आरोप, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का उठाया मुद्दा। राजधानी दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट बंद। बिग गई आकाश कोचिंग कंपनी बायजूस ने $1 अरब में खरीदा। उतार चढ़ाव के बीच हरे निशाने में बाजार सेंसेक्स में 399 अंकों की उछाल। IPL के 14वें सीजन का दूसरा मैच 10 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले इस मैच में पहले वानखेड़े स्टेडियम के 2 और ग्राउंड स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। इसके अलावा एक प्लम्बर भी कोरोना हो गया। अर्जुन कपूर ने एक फोटो शेयर करके अपनी बहन जानवी कपूर से पूछा कि इसमें क्या है अंतर। जानवी कपूर ने दिया मजेदार जवाब। न्यूयॉर्क की सड़कों पर विरोध करने उतरी रिहाना, हाथ में बोर्ड ले आई नजर। परिवार संग कोरोना की चपेट में आए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।